बच्चों, इसी क्रम में तुलसीदास की अगली रचना है दोहावली। तो अब हम यहाँ पे दोहावली के ये जो प्रस्तुत दोहे हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो पहला दोहा है, दोहा नंबर एक है, हरो चरही तापही भरत, फरे पसारही हाथ, तुलसीदास तुलसी स्वारथ, मीत सब परमारथ रघुनाथ। तो इस दोहे में, ये एक नीति विषयक दोहा है, इस दोहे में कवि ने संसार के प्राणियों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हरो चरही, वृक्ष जब हरे भरे होते हैं तो पशु पक्षी इनको चर लेते हैं, तापही भरत, और जब वृक्ष सूख जाता है तो लोग इसको जलाकर तापते हैं, फरे पसारही हाथ, और जब वृक्ष फल से लद जाता है, फूलों फलों से लद जाता है, तो लोग हाथ फैलाकर फलों को तोड़ लेते हैं, तुलसी स्वार्थ मीत सब। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी जो हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, अर्थात संसार के लोग अपने स्वार्थ के लिए ही मित्र बनाते हैं। परमारथ रघुनाथ, तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थ के साथी तो केवल रघुनाथ हैं, अर्थात राम ही जो हैं वो दूसरों के हित का ध्यान रखते हैं, अर्थात वो परमार्थ के साथी हैं और लोगों का भला करते हैं। इस प्रकार इस दोहे में तुलसीदास ने संसार के प्राणियों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है, और परमार्थ के साथी केवल रघुनाथ हैं, अर्थात वो ही सबके हित का ध्यान रखते हैं। इसी क्रम में दूसरा दोहा भी है। इस दोहे में कवि ने चातक पक्षी की विशेषताओं का वर्णन किया है। दोहा इस प्रकार है, मान राखिवो मांगिवो पियसो नित नवने। तुलसीदास जी कहते हैं कि मांग राखिवो मतलब सम्मान की रक्षा करना, मांगिवो मांगना, पियसो नित नवने, और प्रिय से नित नया नया प्रेम करना, अर्थात निरंतर प्रेम को बढ़ाना। तुलसी तीनों तब फवें जो चातक मत ले। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों बातें तभी शोभा देती हैं, फवें माने शोभा देना, जो चातक मत ले मतलब माने सिद्धांत, जब चातक के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए। इस प्रकार बच्चों इस दोहे में कवि के तुलसीदास जी के कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार चातक पक्षी का गुण बता रहे हैं कि जिस प्रकार चातक केवल बादल से ही पानी मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, और उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित नया नया प्रेम जोड़ता रहता है, अर्थात वह ऊपर की ओर बादलों को, हर आने जाने बादलों को देखता रहता है कि शायद इस बादल से उसे स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल जाए, इसलिए वो बादल से नित नया नया प्रेम जोड़ता रहता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही प्रेम मांगना चाहिए और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए, अर्थात अपने प्रेम को प्रगाढ़ करना चाहिए। यही तुलसीदास जी का इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने कहा है कि चातक अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श है, और उसी को आधार मानकर व्यक्ति को अपने इष्ट से याचना और नित नया प्रेम करना चाहिए। यहीं पर हम ये समाप्त होता है। धन्यवाद।